मेरा जन्म अखंड भारत में पाकिस्तान खानेवाल में हुआ रहते थे। तो उस समय तो सत्यार्थ प्रकाश, जैसे आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो तो उर्दू में होगी उस समय की? उर्दू में अभी भी बहुत। 1985 से लगातार दैनिक यज कर रहे हैं, लगभग 38 साल से। तो जब मैं ये बीमार गिरी, हाँ हाँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, या मेरा भी रॉड भी डली हुई प्लेट भी है, तो मेरा बेटा स्वतंत्र जो है बेड पे ही मेरे को हवन कुंड रख के दे देता था, मेज टेबल लगा के सामान लगा के दे देना। मैं सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते, मैं हूँ स्वामी आदित्य वेश और आप देख रहे हैं आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला सोशल मीडिया प्रकल्प मिशन आर्यवर्त। कहानी आर्यवीर की, कहानी आर्य वीरांगना की बहुत से एपिसोड आपने देखे हैं। आज हमारे साथ एक विशेष हस्ती उपस्थित हैं कार्यक्रम में, माता सुमित्रा कुकरेजा जी। माता जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। स्वामी जी, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे ये एक सुअवसर दिया है। मैं उस लिए प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद माता जी। तो हम माता जी के जीवन के बारे में आज जानेंगे। माता जी कितने वर्षों से दैनिक यज्ञ कर रहे हैं? माता जी जब परिवार में पैदा हुई, उस समय इनके बारे में क्या सोचा जाता था? माता जी जिस परिवार से निकल कर के अगले परिवार में शादी हुई, वो कैसा परिवार मिला? भाइयों का जो है किस प्रकार का व्यवहार रहा, या उनका क्या योगदान रहा समाज में और आर्य समाज में, दोनों में? माता जी किस प्रकार के कार्यों में लगातार लगे रहते हैं? इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। माता जी से हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले माता जी, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय एक बार खुद से दे दो। आपका नाम, आप अभी कहाँ रह रहे हैं और जन्म कहाँ हुआ था, बस इतना सा। मेरा नाम सुमित्रा जी कुकरेजा है। मेरा जन्म अखंड भारत में पाकिस्तान खानेवाल में हुआ। मैं 5 भाइयों की बहन और एक छोटी बहन थी। मेरे पिताजी एक अलग पर्सनैलिटी थे, जो कि आर्य समाज के प्रति उनका बड़ा लगाव था। वो उस समय भी महर्षि दयानंद की रचयिता वेदों के द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश को अध्ययन करते थे और हम भाई बहनों को थोड़ा समझाते रहते थे। तो उस समय तो सत्यार्थ प्रकाश, जैसे आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो तो उर्दू में होगी उस समय की? उर्दू में अभी भी बहुत पुरानी है, पेज इतने पुराने पड़े हैं, ये हमने इकट्ठे करके उसको रखा हुआ है उनकी याद में, वो पिताजी की याद में भी। और उस समय जो हमारे पूर्वज थे वो कितने समर्पित थे ऋषि ध्यान जी के प्रति, सत्यार्थ प्रकाश के प्रति, आर्य समाज के प्रति, तो आपने उसको सुरक्षित करके सहज करके रखा हुआ है। मेरे बड़े भाई के पास अभी भी सुरक्षित है। तो माता जी, क्या आपके जो पिताजी थे वो जो पाकिस्तान में थे, वहाँ भी वो आर्य समाज में सक्रिय थे? नो। अच्छा, सक्रिय नहीं थे। क्योंकि वहाँ ना आर्य समाज थी, क्योंकि जोधपुर गांव था, परंतु उनके जो विचार थे वो आर्य समाज के प्रति। आर्य समाज, इसका मतलब वो जब यहाँ वहाँ से इधर आए हैं, उसके बाद फिर वो ज़्यादा आर्य समाज में सक्रिय हुए? वो जब पहले आए कुरुक्षेत्र में आए, उनको कुछ टेंटों में भी रहना पड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद वो पानीपत में जब आए, तो पानीपत वो उनकी इतनी शख्सियत थी कि उनको ऐसा हमें घर मिला जो मुसलमानों का एक महल था। तो उस समय वो सक्रिय होते गए और आर्य समाज पानीपत सदर बाजार के उनके सक्रिय मेंबर भी थे। इसी तरह उन्होंने एक समाज में अलग उनकी पहचान थी। अच्छा, और वो पहचान जो हम सब बहन भाइयों में आई। आपने बहन भाइयों की चर्चा की माता जी, तो आप कितने भाई बहन थे, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं। 5 भाई 2 बहनें थी। 2 बहनें थे। अच्छा, परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो, खास करके भाइयों के बारे में। मेरे बड़े भाई जो हैं कर्नल जगन्नाथ जी, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन्होंने आर्मी में इतनी सच्चाई से सर्विस की थी कि एक बार की उन्होंने घटना बताई कि उनको जब ये सन 1962 का चाइना का युद्ध हो रहा था, तो जर्सियाँ उस टाइम नहीं थी, सर्दी बड़ी थी, तो ऊपर से देने के लिए आई, ऑर्डरली में थे वो, तो उनके ऑफिसर ने कुछ मांगी जर्सियाँ, तो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, कि मेरे को इसका रिटर्न दोगे तो मैं तभी दे सकता हूँ। उस टाइम मेरे भाई कैप्टन थे और ऑर्डर जो दिया था वो कर्नल ने दिया था। कर्नल को इस बात में गुस्सा आ गया, उनकी ट्रांसफ़र उन्होंने लद्दाख में कर दी। अच्छा, परंतु मेरे भाई घबराए नहीं। जब वो रिटायर भी हुए, उनके बच्चे भी इस टाइम आर्मी में हैं, आज तक वो कार नहीं खरीद सके थे, इतनी सच्चाई से वो अपनी सर्विस कर रहे थे और उसी में से अपने बच्चों को पढ़ाया। परंतु उससे पहले
मेरे पिताजी जो एक्सपायर हो गए तब मैं शादी नहीं हुई थी मेरी। अच्छा, तो मेरे उन भाई ने, बड़े भाई ने हम सब बहन भाइयों को ऐसे रखा, बच्चों की तरह रखा। तो मेरी जितनी भी एजुकेशन हुई उसका सारा खर्चा मेरे बड़े भाई कर्नल जगन्नाथ जी ने दिया। अच्छा। और उन्होंने मेरे उत्साहित किया, बेटा तू जितना पढ़ना चाहती तू पढ़। अच्छा। तो मेरे दूसरे भाई जो थे कर्नल रामनाथ जी भी, उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया। और मैं उस प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे माता पिताजी मिले और मुझे ऐसे भाई मिले, जो आज भी मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी क्योंकि राखी का त्यौहार जाता था, सारे भाई मेरे यहाँ आते हैं। अच्छा। यही इकट्ठे होते हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरे एक भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जब मैं उनको राखी बांध रही थी तो कहते मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में हमारी हमें ये बहन मिलनी चाहिए। अच्छा। आपके एक भाई जो है वो शायद शहीद भी हुए थे, उनके बारे में, बुआ के लड़के थे, उनके बारे में थोड़ी। हाँ, वो उनका नाम था सदानंद खुराना। वो पानीपत में अभी भी उनके नाम पे पार्क भी है, सड़क भी बनी हुई है। अच्छा। हाँ, उनके बारे में सुनोगे तो आपको, वो भी जब सन 1965 की लड़ाई हो रही थी तो वो हवाई जहाज में थे, उनके पास कुछ वो लाहौर में बम फेंकने गए थे। अच्छा। फेंकने के बाद नीचे से उन्होंने भी गोला चलाया, हवाई जहाज को आग लग गई। यहाँ से ऑर्डर किया कि आप हवाई जहाज उतार लो, पर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं उतारूंगा क्योंकि मेरे पास ये कागज़ है, ये पाकिस्तान वालों के हाथ में आ जाएंगे। उनका हवाई जहाज जब फिरोजपुर आया तो बिल्कुल आग लग चुकी थी। अच्छा। तो उसमें वो शहीद तो हो गए। शहीद हो गए थे। तो एक ऐसा परिवार जो राष्ट्रवाद की भट्टी में तपा था और अपने परिवार के नौजवानों को इस देश के लिए आहूत किया था, उस परिवार से माताजी हैं। माताजी, अब परिवार की बैकग्राउंड से मैं वापस आपको आर्य समाज की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। मैं थोड़ा इसमें सारी मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे जो दूसरे भाई कर्नल रामनाथ जी हैं, आज भी वो मेरठ में हैं, रहते हैं। उन्होंने एक बार यही हमारे घर में बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, कहते थे कि जब 1971 की लड़ाई हुई तो उनकी ड्यूटी ऊपर लद्दाख में लगी हुई थी। अच्छा। वो 2 महीने में मिले भी नहीं थे, पता ही लग रहा था, परंतु उन्होंने इतनी ड्यूटी की कि जब वो मिले थे उनके पैर ऐसे गल चुके थे बर्फ़ में जैसे, परंतु देश के प्रति इतने अर्पित थे कि उनकी रडार के ऊपर ड्यूटी लगी होती थी, परंतु उन्होंने इतनी अच्छे से ड्यूटी दी, उनको सम्मानित भी किया गया था। हाँ, नहीं ठीक है। खैर, परिवार की तो अपने आप में एक बड़ी विरासत है। माता जी, जब आप परिवार में पढ़े और उसके बाद शादी की जब बात आई, तो आपको जो नया परिवार मिला, क्या वो आर्य समाजी परिवार था या फिर गैर आर्य समाजी परिवार था, वो भी बताएं थोड़ा। मैं उस प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे विचार थे, जो मेरी इच्छा थी, मुझे भगवान ने वो दिया परिवार। मुझे आर्य समाजी परिवार वो मिला जो कि ऋषि दयानंद का बहुत प्यारा परिवार था। जहाँ तक मैं अपने धर्म पिताजी के बारे में कहूँ, मैं उनको तो उनकी पूजा करती थी। अच्छा। और उनको देवता कहती थी। उसके ये हुआ कि जो मेरे पति थे, धर्मपति थे, उनके लिए मैं तो इतना कहूँगी, प्रभु मुझे हर जन्म में वही साथी मिले। बहुत हाई विचार, इलाहाबाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की, बहुत हाई पर्सनैलिटी, 6 फुट उनका कद था, और एक हर क्लास में वो टॉप रहे। 8वीं में भी उन्होंने स्कॉलरशिप लिया, 10th में भी स्कॉलरशिप लिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंजीनियरिंग की। उसके बावजूद ही इतनी सिंपल नेचर थे कि हर एक की मदद करना उनकी ड्यूटी। तो उन्होंने आर्य समाजों की स्थापना भी की है शायद, मैंने सुना। हाँ, मेरे तो धर्म पिताजी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेरे धर्म पिताजी थे वो अंग्रेज़ों के, उनके पिए थे सन 1919 के टाइम, उनके पैदाइश ही थी। मेरे धर्म पिता की पैदाइश सन 1898 में हुई थी। अच्छा। तो जब, और उन्होंने अपनी जिंदगी भगत सिंह जी को पढ़ाया हुआ था। अच्छा। हाँ जी। और उनके बारे में बताते हैं कि भगत सिंह इतना शरारती थे, जब भी हमारी आज़ादी का कोई जुलूस निकल जाता था लाहौर में, आर्य स्कूल में पढ़े, तो वो दीवार फांद के बाहर आ जाते थे भगत सिंह। अच्छा। तो मेरे, मैं इस चीज़ के लिए, मेरा परिवार कुकरेजा परिवार लकी है कि जिनके धर्म पिता ने भगत सिंह को पढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनके मन में राष्ट्रभक्ति थी। तो करनाल में आप कब आए फिर? मैं करनाल में शादी के बाद 28 फरवरी 1969 में मेरी शादी हुई थी। में आप फिर? उससे पहले करनाल नहीं है, उससे पहले मेरी एजुकेशन जी थी
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुई। हाँ जी हाँ जी। आते ही मेरी वहाँ पानीपत में गवर्नमेंट जॉब लग गई। अच्छा। तो मैंने एज ए लेक्चरर डीएवी स्कूल पानीपत में जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी वहाँ भी एज ए लेक्चरर किया। फिर वही मेरी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लगी। तो उसके बाद मैं डीएवी स्कूल पानीपत में भी एज ए संस्कृत टीचर की गवर्नमेंट स्कूल में एज ए। तो आप संस्कृत भी पढ़ी आपने? मैंने संस्कृत ऑनर्स की थी उसकी। और उसके अलावा मेन सब्जेक्ट आपका? मेरा मेन सब्जेक्ट संस्कृत और म्यूजिक था। म्यूजिक था। परंतु उसके साथ मैं इस चीज़ को अपने आप को प्रभु की कृपा समझूँ और थोड़ा फील करती हूँ, मुझे हर सब्जेक्ट में बड़ी नॉलेज। अच्छा। तो माता जी आप करनाल में आए, तो करनाल में भी आर्य समाज स्थापित हुई, उसमें भी आपकी परिवार का बहुत बड़ा रोल मैंने है। जैसे कि आपको पहले बताया कि मेरे धर्म पिताजी जितना आर्य जैसे प्रभु आशीष साथ उन्होंने कई गाँवों के गाँव चयन किए। हाँ जी, हाँ जी। जो वहाँ बीड़ी पीते थे, शराब पीते थे, उनके उनको हटाया। उसके बाद उनका इतना था कि वो सुबह 4 बजे उठते थे और समय की इतना एक मिनट की भी इधर उधर नहीं होने देते थे। 5 बजे हम सबको उठा देते थे, क्योंकि मेरे इधर परिवार में भी 8 बहन भाई थे, तो मेरे पति जो थे सबसे छोटे थे। अच्छा जी। 5 बजे उनका उठ जाग मुसाफिर बोलते थे, तो हम सब बहन भाई हाल कमरे में इकट्ठे हो जाते थे, संध्या करते थे। ऐज सुबह 6 बजे वो सैर पर चले जाते थे और जब वापस आते थे ये होता था कि 7 से 7:05 के बदले बताते 7 बजे उनके लिए में दूध आधे रखते थे। अच्छा। मतलब टाइम कितने पक्के थे और अपने सेहत का भी ध्यान रखते थे। फिर उन्होंने जहाँ भी गए उनके मन में इतनी लगन थी, उन्होंने आर्य समाज स्थापना की। अच्छा। शिमला में भी आर्य समाज की स्थापना की, हिसार में भी उनकी जावड़ी आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद वो इधर करनाल में आए तो प्रेमनगर आर्य समाज की स्थापना की। मुझे वो समय याद है, प्रेमनगर आर्य समाज में अभी एक जगह मिली है, पार्क मिली थी, अभी भी बनी हुई है। तो वहाँ एक कमरा बनाना था तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जैसे सनातनी टाइप के होते हैं। हाँ। पिताजी और महाशय रामचंद्रन जी ये सब मिलकर खड़े थे, इन्होंने अपने हाथों से कसियाँ उठाई, अपने हाथों से इन्होंने वो एक उसकी नींव बना दी, नींव खोद दी। और उनकी उम्र इस तरह होते हुए भी मैं सोचती थी उनके मन में कितनी तड़प थी, तड़प थी। जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे उनका आर्य समाज के प्रति समर्पण एक लिमिट से ज़्यादा होता था। आज के युवाओं को मैं चाहता हूँ कि प्रेरणा लें। माता जी बहुत संक्षिप्त में हम अपनी बातें करेंगे, आपके परिवार में भी या आपका जो घर है उस घर में भी वर्षों तक आर्य समाज रहा, आर्य समाज के कार्य हुए, तो वो कितने वर्षों तक लगभग रहा होगा आर्य समाज का काम? वो हम 78 में यहाँ शुरू की थी। अच्छा जी। 76 में हम इधर आए, ये हमें जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मिला ये भी पिताजी की कृपा से मिला। मैं उनकी जैसे मालिश कर रही थी तो मैंने कहा पिताजी अपना घर होना चाहिए, तो कहते हो जाएगा, उनकी हर बात उनकी पूरी होती थी, तो मुझे ये घर मिला। उसके बाद यहाँ आर्य समाज जो थी हमारी जो थी 2005 तक यहाँ लगी, सन 78 से लेकर। अच्छा। तो उसके बाद जो था हमने अपनी आर्य समाज बनाई है, तो इस आर्य समाज का उद्घाटन करने के लिए स्वामी दीक्षानंद जी आए थे। अच्छा। उनको हमने बुलाया था और वो जब भी आते थे ना तो यहाँ मेरे यहाँ भोजन जरूर करते थे। तो आपके यहाँ कौन कौन से सन्यासी आए? स्वामी दीक्षानंद जी, स्वामी प्रभु आश्रित जी भी आए? प्रभु आश्रित जी भी आए? नहीं, तब मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा अच्छा। जो मेरे समय जो उनकी प्रेरणा जरूर थी इस परिवार में, प्रेरणा इसलिए क्योंकि महात्मा प्रभु आशीष जी, मैं इतना कहूँगी कि वो हमारे कुकरेजा परिवार के कुल गुरु की तरह थे। अच्छा। हाँ। क्योंकि शांति माता जी अग्निहोत्री जी परिवार। हाँ जी हाँ जी। वो माता जी मेरी चाची सास रखते थे और उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ स्वामी दीक्षानंद जी आए थे और उन्होंने मुझे 85 में संकल्प कराया हम दोनों को, मेरे पति को भी और मेरे को भी। तो मेरे पति कहने की कि मेरी जॉब तो टूरिंग है, तो मैंने कहा मैं संकल्प करती हूँ कि मैं प्रतिदिन जांच जरूर करूँगी। और मुझे एक खुशी की बात है, जब स्वामी दीक्षानंद जी डॉक्टर ओम प्रकाश के पास आते थे तो मेरे को कहते थे कि मैं नाश्ता आपके यहाँ करूँगा, तो कहते थे मुझे आपके आलू के परांठे बड़े पसंद हैं। ये मैं घटना छोटी सी स्वामी जी के बारे में बता रही हूँ, तो मुझे उससे खुशी होती थी, हे प्रभु तूने मुझे ये। तो आप 1985 से लगातार दैनिक यज कर रहे हैं लगभग 38 साल से,
तो जब मैं ये बीमार गिरी, हाँ हाँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, या मेरा भी रॉड भी डली हुई प्लेट भी है, तो मेरा बेटा स्वतंत्र जो है बेड पे ही मेरे को हवन कुंड रख के दे देता था, मेरे टेबल लगा के सामान लगा के दे देना, मैंने वो बेड पे ही रूतियाँ दे के अपना तो संकल्प कितना मजबूत होना चाहिए, यह प्रेरणा माता जी से हम ले सकते हैं। माता जी पिछले लगभग 37-38 वर्षों से तो दैनिक यज्ञ वैसे ही कर रहे हैं, पर उससे पहले भी माता जी जो है यज्ञों में खुद शामिल होती रहती थी और भी करवाती रहती थी। माता जी आज की जो यदि हम बात करें परिवारों की और ख़ास करके बड़ी बुजुर्ग महिलाओं की भी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जो है चाहे यज्ञ से जुड़ें, साधना से जुड़ें, संध्या से जुड़ें, किस प्रकार का वो जीवन जिएं कि वो बिल्कुल खुशी खुशी अपने परिवार को चला सके। मैं समझिए एक चीज़ कहूँगी, जो मेरे साथ बड़ी हैं उनको तो प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ, हमने मिलके बहुत काम किए हैं। घर घर जाकर जब हमारे वार्षिक उत्सव थे, इकट्ठा करते थे, मिलके काम करते थे, मेहनत करते थे। अब ये सोचो कि मेरा ये स्वतंत्र छोटा सा था, इसको गोदी में लेकर हम रिक्शा करते थे, यहाँ शांति माता जी थे, सत्या माता जी थे, मतलब सदा माता ये जो थे, हम मिलकर जाते थे। अच्छा, और मेरे ख्याल वही जो प्रेरणा है ना, मेरे बेटे स्वतंत्र को भी मिली है। हाँ, जब मैं हवन करते थे, ये छोटा सा बैठ जाता था गोदी में आकर, पापा की गोदी में बैठ जाना और बैठ जाना, देखते रहना, तो प्रभु ने की कृपा से। स्वतंत्र जी भी जो है आर्य समाज के बहुत ही कर्मठ नौजवान साथी हैं, और पिछले लंबे समय से लगभग मैं भी उनको 15 साल से जानता हूँ, और ख़ास करके युवाओं के कार्यक्रमों में उनकी अग्रणी भूमिका रहती है। फिलहाल जो आर्य समाज सेक्टर 13 है उसमें मंत्री के पद पर हैं और बहुत सक्रिय रहते हैं। माता जी भी सॉरी मैं बिल्कुल मंत्री के पद की, एक बार हमारा मानव सेवा संघ में वार्षिक उत्सव केंद्रीय सभा का हो रहा था, तो मैं वहाँ पर एज ए पहले प्रधाना भी रही मंत्री का सर, तो किसी सदस्य ने कुछ ऐसी बात करी, थोड़ा मेरे को अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तब मेरा स्वतंत्र बेटा जो है ये शुगर में जॉब करता था, परंतु जब वार्षिक उत्सव होता था वो ज़रूर अटेंड करता था, सबसे आगे घोड़े पे से रहना। पर मेरे मन में उसने विचार आया कि प्रभु अब इनके पापा भी नहीं हैं और पिताजी भी चले गए हैं, इस चीज़ के विचार उनके आए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ। तब ये क्या होता था, जब ये घोड़े पे बैठता था तो मुझे मेरी बहनें कहती थी मिसेस कुकरेजा का बेटा जा रहा है, तो मैंने उस टाइम में प्रभु कहा, हे प्रभु तुम मेरी ऐसे पहचान करना, दुनिया मुझे कहे कि ये स्वतंत्र की मम्मी जा रही है, तो परमात्मा ने मेरी वो आवाज़ सुनी, आज मुझे दुनिया इससे पहचानती। नहीं, स्वतंत्र जी वास्तव में बहुत विशेष काम कर रहे हैं, तो माता जी हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप कम से कम 100 वर्ष तक जो है आशीर्वाद देते रहें, और उसके आगे भी जो है आप इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों में लगे भी रहें, समाज को प्रेरणा देते रहें। आप और हमारे एक छोटी सी बात बता दें, मैं बम्बे जाती हूँ, मेरा छोटा बेटा है, जाते उन्होंने मुझे कही जब वो शुरू हुआ या सोसाइटी में मकान लिया, मम्मी आप यहाँ आर्य समाज बनाओ। तो वो बेटा भी मेरे लिए इतनी मेहनत करता है, चमूर आर्य समाज जाते हुए मुझे 30 मिनट लग जाते थे, पहले तो हम उधर रहते जाते थे, वो मुझे ले आता, उसकी मिजी भी ले जाती है, वहाँ भी मैं दैनिक यज्ञ करते वहाँ भी मेरे लिए मेरे बेटे ने, मेरी पुत्र वधु ने पूरा मेरा अलमारी अमन सेट किया हुआ है, ताकि माता जी इस चीज़ से वंचित ना रहें। तो मैं उस बेटे को भी आशीर्वाद देती हूँ, और प्रभु की कृपा से मुझे यहाँ भी जो है बच्चे मेरे पुत्र वधु यहाँ की है, ये भी बड़ी ध्यान रखते हैं, और बेटी तो फिर बेटी की बात क्या करूँ, वो पूरा परिवार ही संस्कारित है बेटी के लिए, तो मैं मेरे पास से ऐसे वचन भी, मेरे पास आज समझे वो वर्ड भी नहीं है उनकी प्रशंसा में कुछ कहा। संस्कार दिए हैं माता जी ने, और उसी का परिणाम है कि सारी संतानें संस्कारित हैं, और माता जी के लिए यहाँ घर में ही एक विशेष यज्ञशाला बना रखी है, जिसमें माता जी पिछले लंबे समय से यज्ञ कर रहे हैं। आप संकल्प ले सकते हैं माता जी की इन बातों से कि आप दैनिक यज्ञ कर सकते हैं, आप अपने परिवार को, वो अपने ससुर को ससुर नहीं बल्कि धर्म पिता कहती थी, क्या आज हम इन बातों को अपने जीवन में अपना करके हमारी प्राचीन वैदिक सनातन परंपरा को जीवित रख सकते हैं? यदि हाँ तो इस तरह के कार्यों को बीच में आपको जी माता जी क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने धर्म पिता जी के बारे में कह रही हूँ, उनकी हर बात एक महापुरुषों की ऐसा निकलती है,
जब ये बेटा मेरा सुशांत पैदा होने वाला था, अभी 3 महीने रहते थे, तो जैसे ही संध्या करने चरण छूने लगी तो मेरे को कहते 15 अगस्त को तू आज़ाद होगी। अच्छा, ये 15 अगस्त को पैदा हुआ, इसीलिए इनका नाम स्वतंत्र। दूसरा, मैंने उन्होंने जब शादी के बाद मेरे से उन्होंने जॉब नहीं करवाई। अच्छा, परंतु मेरे साथ की जो आगे जाती जाती एक जो लगन होती है, तो एक दिन मैं उनकी मालिश कर रही थी तो मेरे मन में निकला कि पिताजी मेरे साथ की तो सब हेड बन गए थे, नो वरी यू विल बी प्रिंसिपल, क्योंकि ज़्यादा भी इंग्लिश में वर्क करते थे। मैं कहा हो कैन, कहना यू विल सी इन वीक। तो वाकई मैं कहती हूँ कि डॉक्टर गणेश जी प्रिंसिपल मिल राम जी आए उसी हफ्ते, तो उन्होंने पिताजी को कहा कि हम यहाँ ये स्कूल खोल रहे हैं। मैं स्कूल के बाबत बता रही हूँ कि मैंने यानी कुछ नहीं किया, उन बड़ों का आशीर्वाद मिला मुझे, हम यहाँ स्कूल खोल रहे हैं, हमें पता लगा कि आपकी डॉक्टर नाम के बारे में, तो हम इनको प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं। अच्छा, वो दिन है और आज का दिन है ये स्कूल उन महापुरुषों की कृपा से चल रहा है। और पिताजी की मेरे ने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया, जो वो चाहते थे वो चीज़ें हो रही हैं। और जब वो कई बार मुझे ये कहते थे कि मैं दूसरा जन्म भी लूँ ना जी तो तू मेरी माँ बनना, मेरी दादी बनना तू, तो कई बार सोचती हूँ प्रभु मेरे पोतों को भी इतनी शक्ति देना कि मेरे पिताजी का रूप लेके आए, वो परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ा सके। और स्वतंत्र बेटे ने आगे बढ़ा रहा है, तो जब ये आगे बढ़ा रहा है तो मेरे मन में खुशी होती है कि ये दादाजी के नाम को आगे बढ़ाएंगे। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब उनकी जिम्मेदारी बनती कि वो आगे लेकर के, परमात्मा इनको शक्ति दे, कृपा करे, सद्विचार दे और इसी तरह वो समाज के कार्यों में लगे रहें। माता जी ने अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हैं और सभी साथियों से, खास करके जो मिशन आर्यावर्त देखते हैं, चाहे देश की बात है चाहे विदेश की बात है, आप इन बातों को यदि अपने जीवन में उतारते हैं तो माता जी की तरह से जो संकल्प उन्होंने कभी मन में लिया वो संकल्प निश्चित रूप से पूरा हुआ, और हम भी संकल्प लें कि ऋषि के सपनों को साकार करेंगे। माता जी, आप कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुअवसर दिया और प्रभु की कृपा से आप ऐसे ही प्रचार करके बच्चों को उत्साहित करते रहें, और जब भी करनाल आएँ ये घर को अपना घर समझें। ठीक है माता जी। और स्वामी जी, आप इस स्वामी जी इस जगह पर हो, परंतु मैं एज ए स्वतंत्र का आपको भाई समझती हूँ और अपना बेटे के समान आपके। हम तो माता जी बहुत छोटे छोटे हैं आपके सामने, स्वतंत्र और हम पिछले लगभग 18-20 साल से एक साथ काम करते हैं, तो आपका आशीर्वाद भी बना रहे, आपकी शुभकामनाएं भी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।